अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। गाइस आज मैं आप लोगों को मैक्रो के बारे में बताने वाला हूँ, ये क्या है और इससे क्या होता है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये सिखा देता हूँ, यहाँ पे कस्टम में जाना है, सही है, कस्टम में होम बटन पे, सही है, यहाँ पे कस्टम, यहाँ पे मैक्रो पे टच कर दिया, डबल टेप होम बटन पे, सही है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को गेम प्ले दिखा देता हूँ, इसमें हेडशॉट लगते हैं या नहीं लगते, तो मैं ये आप लोगों को कंफर्म करवा दूं कि इसमें 80% हेडशॉट लगते हैं, 80% जो है ना इसमें हेडशॉट लगते हैं और 20% जो है ना बॉडी शॉट लगते हैं। ये कोई हैक वगैरह नहीं है, ये आईफोन के अंदर खुद एक सिस्टम है, अगर इस सिस्टम को आप लोग अप्लाई करोगे तो 80% जो है ना आप लोगों का हेडशॉट लगेगा, बस थोड़ी सी कोशिश होती है वो करनी पड़ती है। बाकी तो गेम प्ले इस तरह होगा ना कि एंड्रॉयड मोबाइल से अच्छा गेम प्ले होगा, और ये सेटिंग मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, उससे पहले आप लोग मेरे गेम प्ले को चेक करें, आप लोगों को खुद यकीन आ जाएगा। और दोस्तों चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो एक प्यारा सा लाइक भी दे दो और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दो ताकि वो भी ये सेटिंग सीख सकें आसानी से। और इससे हेडशॉट बहुत अच्छे हेडशॉट लगते हैं, आप लोग एक बार ट्राई कर लें, अगर सही नहीं है तो आप लोग मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, और सेटिंग जो होगा बिल्कुल सही सेटिंग होगा, आप लोग मेरे गेम प्ले को देख सकते हो। और गाइज मैं आप लोगों को सेटिंग बताने वाला हूँ कि वो सेटिंग कौन सी सेटिंग है, लेकिन आप लोगों ने सारे टिप्स फॉलो करने हैं, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, अगर स्किप करोगे तो आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और गाइज मैं जो आप लोगों को सेटिंग बताऊंगा उसके अलावा आप लोगों ने कोई भी सेटिंग नहीं करनी है, मतलब मैक्रो के बारे में, क्योंकि ये फिर आप लोगों के लिए, आप लोगों के फ़ोन के लिए नुकसानदेह हो सकता है, इस वजह से आप लोगों ने और कोई भी सेटिंग नहीं करनी है, सिर्फ यही वाली सेटिंग करनी है। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे। तो गाइज यहाँ पे मैं आ चुका हूँ मोबाइल की स्क्रीन पे, यहाँ पे सबसे पहले एसेसिबिलिटी में चलते हैं, सेटिंग के अंदर एसेसिबिलिटी, यहाँ पे एसेसिव टच में जाने के बाद यहाँ पे सबसे पहले ये एसेसिव टच को ऑन कर देना है, आप लोगों का नहीं ऑन होगा। मैक्रो को पहले मैं डिलीट कर देता हूँ आप लोगों के समझाने के लिए। यहाँ पर जहाँ पर आप लोग ड्रैग करते हो ना उस जगह पर इस तरह मार्क कर देना है, जहाँ पर आप लोग फायर करते हो, ड्रैग करते हो, वन टैप के लिए और ब्रस्ट के लिए। और यहाँ पर मैं इसको सेव कर देता हूँ मैक्रो के नाम से, ओके ये सेव हो गया। और यहाँ पे ये दूसरा ऑप्शन जो है ये 40% होगा आप लोगों का, और इसको 15% पर रख देना है। माउस कीज़ की सेंसिटिविटी जो है ना इसको फुल कर देना है दोनों की मैक्सिमम स्पीड, और ट्रैकिंग सेंसिटिविटी इसको भी फुल कर देना है, और मूवमेंट वाला जो है ना ऑप्शन इसको भी फुल कर देना है आप लोगों ने, सही है। और उसके बाद जो नीचे सेकंड्स आ रहे हैं इसको 25 पे लगाना है, ये 1 मिनट पे होंगे, 0.25 पे लगाना है। फीडबैक एक्शन टैप पे लगाना है, सही है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे स्विच कंट्रोल में चलते हैं, स्विच कंट्रोल में सबसे पहले जो है ना यहाँ पे ऑटो स्कैनिंग पे लगा देना है, सही है। यहाँ पे फ्यूज ऑन फर्स्ट आइटम इसको पहले मैं बता दी, यहाँ पे 3 पे लगाना है इसको, ये पहले ऑफ होगा, इसको ऑन कर देना है, सही है। ऑटो स्कैनिंग को 0.5 मतलब 0.05, यहाँ पे लोब्स 2 पे होगा, इसको 10 पे रख देना है, और मूव लॉन्ग प्रेस को ऑन करके 20 पे रख देना है, सही, 20 पे। और यहाँ पे टैप डिफीट, टैप बिहेवियर को डिफीट पे, और इसको फास्ट आइटम पे रखना है, सही है। होल्ड इसको 10 पे रख देना है, इग्नोर रिपीट इसको भी 10 पे रख देना है, और इसको सिंगल पे रख देना है, सिंगल पे। और नीचे जो 120 लिखा हुआ है स्पीड, इसको 120 पे ही रखना है, और ग्रुप आइटम को भी ऑन पे रख देना है, सही है। इस वीडियो का मेन पार्ट जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, दोबारा से एसेसिबिलिटी में चले जाएंगे, यहाँ पे एसेसिव टच में जाने के बाद डबल टेप यहाँ पे नाउन पे होगा, नाउन पे सही है, यहाँ पे मैक्रो पे रख देना है, और उसके बाद यहाँ से बैक कर देना है। बैक करने के बाद नीचे पॉइंटर कंट्रोल सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूँ, पॉइंटर साइज़ को फुल पे रख देना है, और ये स्पीड को भी फुल पे रख देना है, और कलर
उससे पहले मैं आप लोगों को स्विच बता देता हूँ। स्विच दोनों ऑन रखने हैं, कलर रेड या ब्लू रखना है। रेड मतलब जो भी रखना हो आपकी पसंद है, लेकिन मैं तो खुद ब्लू रखता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और हाँ, मैं आप लोगों को बता दूँ माकरो किस तरह ऑन करते हैं, वो वीडियो के स्टार्ट में मैंने आप लोगों को बता दिया था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।